मॅकडॉनल्ड पुणे इथल्या संतापजनक प्रकाराची आता अवघ्या महाराष्ट्रभर प्रचंड संताप पसरलेला आहे. एखाद्या छोट्याशा गरीब मुलाला केवळ त्याचे पैसे नाहीत किंवा मॅकडॉनल्डच्या भाषेत बोलायचं द लिव्हिंग ऑफ स्टँडर्ड नाही म्हणून त्याला बाहेर काढण्यात आलं, कर्मचाऱ्यांकडनं गैरवर्तणूक काढण्यात आली आणि ज्यावेळी याचा प्रसारमाध्यमांकडनं आता आणि झी 24 तासने वृत्त लावून धरल्यानंतर आता मात्र माफीनाम्याची ढोंग आणि थेर मॅकडॉनल्ड्सकडनं समोर येत आहेत. आपण या संदर्भात चर्चा करणार आहोत. आपल्यासोबत शाहिना अत्तरवाल आहेत. शाहिनाजी, स्वागत आपका झी 24 तास में. क्या कहेंगे इस पूरे ये जो हादसा हुआ है, ये जो घटना हुई है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, ये घटना ऐसी नहीं होनी चाहिए थी. शायद अगर वो हमसे बात करते या कुछ एक्सप्लेन करते तो शायद ऐसा नहीं होता. लेकिन उन्होंने उस बच्चे के साथ उसको पकड़ के उसको निकाला, जो मुझे अच्छा नहीं लगा. शायद उन्हें थोड़ी सी ट्रेनिंग की ज़रूरत है और बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी. शाइना जी, आपने उस वक्त आप वहाँ पे मौजूद थी. आपने उस बच्चे को, आकाश नाम के लड़के को, आपने वो जो चाहता था वो दिया. लेकिन उस वक्त उस जो पूरे जो स्टाफ था उनका बर्ताव क्या था? सिर्फ एक एम्प्लॉयज की ये हरकत थी कि इनके पूरे स्टाफ का ये माहौल था? वेल, आई डोंट थिंक किसी और ने कुछ किया. उस जो भी था वो आके सिर्फ डायरेक्टली उसने बच्चे को पकड़ा और उसे बाहर फेंक दिया. फिर जब मैंने बोला कि मैं खड़ी हूँ उसके साथ, मैं खुद उसको अंदर लेकर आई हूँ उसे दिलाने के लिए, तो उसने साफ मना कर दिया, कहा कि हम लोग अलाउ नहीं करते ऐसे लोग को. शाइना जी, देखिए, अब ये जब ये बात और पूरे न्यूज़ मीडिया में जब फैल रही है तो उसके बाद मैकडॉनल्ड ऐसा उनका सफाई आ रही है कि हम लोगों का ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, हम लोगों की ऐसे कोई जानबूझ के नहीं किया, ये तो हो गया, उस स्टाफ ने किया, ऐसा वो कह रहे, वो माफ़ी मांग रहे. लेकिन उस वक्त उनका बर्ताव ऐसा था क्या? नहीं, देखिए, ऐसा तो कोई पोलाइटनेस या काइंडनेस उस वक्त तो नहीं थी. शायद उनका इंटेंशन नहीं होगा, शायद वो उनका जो भी इंटेंशन होगा, लेकिन उस वक्त ऐसा हुआ तो मुझे ख़राब लगा. अगर वो हमसे अच्छे से बात करते या हमें कुछ समझाते या जो भी उनके इश्यूज है तो शायद ऐसा नहीं होता. लेकिन मुझे वो बिहेवियर पर्टिकुलर, वो लड़के का नाम जो आकाश है मुझे पता भी नहीं है, लेकिन वो बिहेवियर मुझे अच्छा नहीं लगा. जिसका नाम आकाश है उस लड़के को आपने उसके साथ अच्छाईपन दिखाया, लेकिन वो जो मैकडॉनल्ड वाले उन लोगों ने ऐसा बर्ताव नहीं किया. हम लोग ऐसे इसी के बारे में जातो है. पुनः एकदा शाइना जी आपला सोबत है. शाइना जी, अब इसके बाद मैकडॉनल्ड ने क्या करना चाहिए हर एक कस्टमर के साथ? देखिए, ये सिर्फ मैकडॉनल्ड्स के लिए या पर्सनली उनके लिए कुछ नहीं है. आई थिंक ऑल द कंपनीज एंड ऑल द रेस्टोरेंट्स एंड ऑल पब्लिक प्लेसेस, उन्हें शायद अपने स्टाफ को अच्छे से ट्रेन करना चाहिए, थोड़ा सा सॉफ्ट स्किल सिखाना चाहिए कि पब्लिक के साथ कैसे पेश आए. मुझे लगता है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कोई एक कंपनी या किसी के लिए नहीं. और मेरे ख्याल से हर एक इंसान को दूसरे इंसान के साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए. उसके लिए पैसा नहीं लगता है. आप सिर्फ एक अच्छा दिल रखें और अच्छे से बिहेव करें, मेरे ख्याल से उतना ही काफ़ी है. नक्कीच, या सगळ्यांनी माणुसकीचा धर्म स्वीकारला तर हे सर्कशीतल्या विदूषकासारखं कोरडे कपडे घालून फिरण्याची अवस्था मॅकडॉनल्डवर येणार नाही हेही मात्र नक्की. धन्यवाद चायना जी आमच्याशी बोलल्याबद्दल. झी 24 तास, रहा एक पाऊल पुढे.